शूट कर रहे हैं सलमान खान? किस देश के टूरिज्म मिनिस्टर से मिले सलमान खान? शोएब अख्तर ने दी सलमान खान के साथ अपने किस पुराने इंसिडेंट की सफाई? हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वॉन्टेड 2 के बारे में और देंगे सलमान खान से जुड़ी कुछ अपडेट्स। सलमान खान के हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और फिल्मों को लेकर उनके फैंस बेहद ही एक्साइटेड रहते हैं और उनका बेसब्री से वेट करते हैं। फिर चाहे वो फिल्म सलमान खान की किसी भी सीरीज की फिल्म हो या फिर ब्रांड न्यू फिल्म, उनकी हर एक अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल सलमान खान के फैंस वॉन्टेड 2 के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सलमान खान के फैंस सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सलमान ने इस फिल्म में कुछ सीन्स की शूटिंग इंडिया और रशिया में पूरी की है और खबर आ रहा है कि सलमान खान अपनी टाइगर 3 की टीम के साथ फिल्म के आगे की सीन्स की शूटिंग करने टर्की गए हुए हैं और वो इस समय टर्की में कैटरीना कैफ के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइगर 3 के शूट के दौरान सलमान खान टर्की के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर नूरी एसॉय से भी मिले। सलमान खान की अपनी मुलाकात की तस्वीरें खुद नूरी एसॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। आपको बता दें कि सलमान खान इस समय अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग टर्की में कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ नजर आएगी। इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी करते ही सलमान खान वापस मुंबई आकर बिग बॉस की शूटिंग में लग जाएंगे। अब बात मुंबई की आई है तो सलमान खान और एक्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का साल 2008 का काफी पुराना इंसिडेंट तो आपको याद होगा ही। अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। दरअसल साल 2008 में एक अफवाह जगह जगह आग की तरह फैली थी कि सलमान खान और शोएब अख्तर बैंड्रा की बीच पर शर्टलेस होकर रेस कर रहे थे, तो कई न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल इस खबर को बार बार दिखा रहे थे और वाकई में ये बड़ा मामला बन गया था। हाल ही में शोएब अख्तर ने यूट्यूब में एक लाइव में कहा कि वो और सलमान खान कभी भी बैंड्रा के बीच पर शर्टलेस होकर रेस नहीं किए और तो और रेस छोड़ो वो कभी वहाँ साथ में भी नहीं गए। शोएब ने कहा कि वो मुंबई सलमान खान के घर गए थे जहाँ पर सलमान खान, कैटरीना कैफ और शोएब अख्तर ने साथ मिलकर डिनर किया था और उनकी शर्ट गंदी हो जाने के कारण सलमान ने उन्होंने अपनी शर्ट दी और चेंज करने को कहा। शोएब ने कहा कि वो शर्ट चेंज कर सीधे कराची के लिए निकल गए और जब अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें इस र्यूमर के बारे में पता चला। हालांकि तब भी शोएब ने इस बात को क्लियर किया था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। शोएब ने कहा कि वो इंडिया आकर सलमान खान से मिलने को बेहद उत्सुक है। अगर बात करें वॉन्टेड 2 की तो आप लोगों को बता दे कि सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड 2 पर अभी काम चल रही है। फिलहाल वॉन्टेड 2 की अभी स्क्रिप्टिंग की जा रही है। स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही फिल्म की अनाउंसमेंट की जाएगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड स्टूडियोज में और देखते रहिए हमारी सारी वीडियोज़।